हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम आज देखेंगे एमसीएस 015 के जो भी क्वेश्चन पेपर है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इसमें बहुत सारी चीज टिप्स और सजेशन दूंगी जो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, बेसिकली ये 2 आवर्स का पेपर होता है एंड 50 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, एंड इसमें हमेशा पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न एक ही रहता है, बस क्वेश्चंस यू नो क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको हमेशा पूछता है कि पैसेज दिया रहता है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपको उसी पैसेज को रीड करने के बाद उस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, ऑलरेडी आंसर्स इसके पैसेज में रहता है, तो आपको इससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको आराम से पैसेज को पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई रिलेटेड दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, दिखाते हुए क्वेश्चन दिया रहता है, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ क्वेश्चन दिए रहते हैं, व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑफ डॉक्टर मार्को मरीनो। सो तो वो क्वेश्चंस आपको इसी इस क्वेश्चन को उससे पैसेज में से लिख के आंसर्स को देना है। लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि इस पैसेज का आपको टाइटल क्या देना चाहिए, या कोई वर्ड देना होता है। ठीक है, सो सेकेंड नंबर में आपसे पूछता है डू एज द डायरेक्टेड। ठीक है, लेकिन इसमें एक और टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको शो करती हूँ। तो वो जो होता है ना, वो एक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होता है। वो आपको बॉक्सेस दिए होते हैं, उसमें आपको जो नंबर्स दिए होते हैं। ठीक है, नंबर्स मीन्स जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है, रिस्पेक्टेड यू नो फेज में ब्रैकेट में चेंज करना है। बट उसमें क्या होता है ना कि आपको बॉक्स में आंसर्स दिए होते हैं, आपको फिल करना होता है एज अ क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, वो भी फ्रेजल वर्ब से ही होते हैं। ठीक है, सो ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। एंड थर्ड नंबर में आपसे पूछा जाता है सच एज एडवर्टाइजमेंट, मतलब रिपोर्ट वगैरह, एप्लीकेशन, लेटर्स। ठीक है, पूछता है। एंड फोर में क्या कहता है कि प्रिपरेशन शुड बी मेड बाय अ कैंडिडेट बिफोर अपन। एक आपको पीपीटी टाइप्स या इंटरव्यू टाइप्स क्वेश्चंस होता है, जिसमें आपको जैसे यू नो कन्वर्सेशन टाइप्स आपको बताना होता है कि मान लो जैसे कन्वर्सेशन इंटरव्यू का, तो आपको बताना होता है, आपको शो करना होता है राम का, राम को बॉस एज शो करोगे आप, पूछोगे और श्याम को जैसे एज अ इंटरव्यूअर पेश करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है और मैं आपको बताना सिखा दूंगी। अभी टाइम है, आपको 30 मार्च को एग्ज़ाम है, मैं आपको ये सारे वीडियो को मतलब कैसे सॉल्व करना है, मैं सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगी ज़रूर। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन का पैटर्न समझा रही हूँ और कैसे आपको करना है वो चीज़ मैं समझा रही हूँ। ठीक है, एंड देन 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि राइटिंग वगैरह लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक तरह का ये क्वेश्चन होता है जो आपके बुक से होता है। तो ये जो क्वेश्चन 5 नंबर होता है ना, यूजुअली जनरली आपको पूछा जाता है आपके बुक से कि आपको एक दो क्वेश्चन रहता है, जैसे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड डिस्कस द एबिलिटी एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग मिनट्स, यू नो। तो ये जो चीज़ आपको थोड़ा सा 2-3 सॉल्व क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लोगे ना, आई मीन मैं जो दूंगी, सो उससे रिलेटेड आप आराम से इसके क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको FEG2 का सॉल्यूशन और सारी चीज़ को समझाया था, बहुत बच्चों ने बहुत थैंक्स कहा उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उस वीडियो को और एंड ऑल। सो मैं इस वीडियो पे भी था, तो मैं इसके लिए भी वीडियो लेके आई हूँ एंड देन कि मैं इसके एक एक करके सॉल्यूशन भी लाऊंगी कि 1 नंबर को कैसे सॉल्व करना है, 2 नंबर को कैसे सॉल्व करना है, 3 नंबर को कैसे। ये जो 2020 का क्वेश्चन पेपर था, बहुत लोग को ये समझ नहीं आता है कि 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो आपको पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए होता है। बहुत लोग 18, 17, 16 ऐसे करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 20 मार्क्स से एक नंबर भी कम होगा आप फेल की गिनती में आ जाओगे। ठीक है, 50 मार्क्स के किसी भी के एग्ज़ाम में, ये बस 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और ये 50 मार्क्स का। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। वीडियोस का जो सोल्यूशन है, मतलब एक नंबर को कैसे बनाना है, दो नंबर को कैसे बनाना है, वो चीज़ मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में आप सॉल्व क्वेश्चन का डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जो भी मैंने अभी डिस्कशन किया इस वीडियो में, प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा देखना।